नमस्कार साथियों, मेरा नाम कुंजल वीरा है और वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि गैस अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए मैं आपको रेमेडीज बताएगी। लेकिन उससे पहले मैं बताएगी, गैस अगर हमारे बॉडी में एक्सेस हो जाता है तो हमें क्या क्या नुकसान होता है। गैस अगर बॉडी में ज़्यादा होता है तो स्टमक इन्फेक्शन के हिसाब से बहुत प्रॉब्लम्स होती है। पैरों में रूमेटिज्म, आर्थराइटिस, पैरों का दर्द, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम्स, साइटी का प्रॉब्लम्स, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होती है, हेडेक का प्रॉब्लम चालू हो जाता है, वर्टिगोस, स्पॉन्डिलाइसिस, फ्रोजन शोल्डर, ये सब बीमारियों से हम लड़ते रहते हैं। सब लोग बताते हम बटाटा कांदा नहीं खाते तो हमें गैस नहीं होते, लेकिन मैं बताती हूँ खाना खाने से गैस होता है वो बात एक गलत है। खाना जो खाते उससे गैस होता है 5%, लेकिन हम जो सोचते हैं उससे हम 99% गैस इंक्रीज करते हैं। फालतू की बातें सोच के बैठने का, नेगेटिव थॉट्स को सोच के बैठने का, नींद नहीं आना, नींद में भी रात के टाइम सोते समय भी आपको आलतू फालतू की बातें सूझती रहती, उसने मेरे साथ यह क्या, या तो मॉर्निंग में नेक्स्ट डे के लिए मुझे क्या करना क्या नहीं करना, ये सब कारण हम लोग को प्रॉब्लम्स करती है। गैस को कम करने के लिए मैं आपको 5 तरीके बताएगी। पहला तरीका है, जब भी गैस होता है तभी आप बलून फुलाइए। ये टेक्निक कीजिए, इससे आपको फर्क पड़ेगा। सीवियर हेडेक रहता है तो नींबू और पानी, यानी कि गर्म पानी में नींबू निचोड़ के आप उसे पीजिए, आपको माइग्रेन और हेडेक में फ़र्क पड़ेगा। थर्ड पोजीशन है, अगर आपको गैस की वजह से पेट में प्रॉब्लम्स होती रहती है तो मैंने एक वीडियो डाला था बेली बटन पे घी डालने का, आप वो भी कीजिए, उससे आपको फ़र्क पड़ेगा। और सेकंड है कि आप उल्टे सो जाइए तो उससे आपको गैस में फ़र्क पड़ेगा। फोर्थ पोजीशन है, यू कैन डू हियर, अब प्रेशर देख के इसको करते रहिए पॉइंट्स, आपको इससे भी गैस में रिलीज होएगा। जब कॉन्स्टिपेशन ओवर हो जाता है तब जाके गैस की प्रॉब्लम भी हमारे बॉडी में तकलीफ करती है। तो पहले आप अपना कॉन्स्टिपेशन क्लियर कीजिए तो 60% इतना आपको क्लियर हो जाएगा। मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।